हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा में हैं और यहाँ से एक बड़ा चेहरा भाजपा के प्रत्याशी हैं रामवीर उपाध्याय जी, उनके बेटे अभी हमारे साथ। हमारे पिताजी लगातार संपर्क में हैं सबके साथ, फ़ोन पे और घर पे भी लोगों को बुला के मीटिंग ले रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे पिताजी के यहाँ घर घर में कार्यकर्ता है, जाते ही आज तक गरीबों को खाना नहीं दे पाए, घर नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, बिजली तो देता फ्री करेंगे। रामवीर उपाध्याय जी अब तक जो चुनाव लड़े थे वो बसपा सरकार बसपा पार्टी से लड़े थे, इस बार पार्टी चेंज हुई है तो कुछ बदलाव या फिर जनता के बीच में कुछ नाराजगी तो नहीं है? पार्टी बदलने का विरोध उस नेता का होता है जो कभी इस सरकार में पार्टी में रहता है, कभी दूसरी सरकार में जाता है, फिर पार्टी बदल लेता है, अपने मौके के हिसाब से जाता है। इस समय हम हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा में हैं और यहाँ से एक बड़ा चेहरा भाजपा के प्रत्याशी हैं रामवीर उपाध्याय जी, उनके बेटे अभी हमारे साथ हैं चिराग उपाध्याय जी, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ चुनाव पर किन मुद्दों के साथ वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चिराग जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट। नमस्कार भैया। चिराग जी किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है आपका और क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, पूरी जनता का सहयोग मिल रहा है हमें, और मुद्दे हमारे ये हैं सबके साथ सबका विकास, जो आदरणीय मोदी जी के जो कार्य हैं, जो योजनाएं उन्होंने पूरे देश में चलाई और जिसका फ़ायदा यूपी की जनता ने सबसे ज़्यादा उठाया, और जो आदरणीय योगी जी द्वारा जो शासन चलाया गया है और जो सख्त कानून के तहत देश में कानून राज्य की स्थापना की गई है, गुंडे और मवालियों को जेल में डाला गया है, और साथ ही साथ जो भी कुछ विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हैं उनके बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे पिताजी इस ज़िले के नहीं इस पूरे ब्रिज क्षेत्र के ही सबसे होनहार नेताओं में से और सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, और उनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जी कहा जाता है कि जब पिता का जूता बेटे के पैर में आ जाता है तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं आपको कुछ ऐसी दिख रही हैं जो आपको पिताजी के अस्वस्थ होने की वजह से आपको क्षेत्र में दिख रही हो? नहीं, हमारे पिताजी लगातार संपर्क में हैं सबके साथ, फ़ोन पे और घर पे भी लोगों को बुला के मीटिंग ले रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे पिताजी के यहाँ घर घर में कार्यकर्ता हैं, और हमारे इतने चाचा ताऊ बाबा हैं इस विधानसभा में और पूरे ज़िले में कि वो किसी भी प्रकार की कमी महसूस होने नहीं देते। तो फिलहाल का जो चुनाव प्रचार है उसमें हम देखें कि अलग अलग पार्टियों से जो पार्टियों के जो दावे और वादे हैं उनमें लोक लुभावने वादे आ रहे हैं, जिनमें कि सपा पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कराए गए विकास कार्यों को देखते हुए क्या लग रहा है जनता का रुख किस तरह से आप जनता के बीच जाते हैं तो क्या रुझान मिलता है आपको? देखिए 300 यूनिट फ्री देने की बात तो दूर की बात है, आज तक गरीबों को खाना नहीं दे पाए, घर नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, बिजली तो देता फ्री करेंगे। बिजली फ्री करने के बाद हमने कहा था कि उसके बाद भी भाजपा सरकार ने भी बिजली बिल को हाफ किया है, तो कहीं ना कहीं लगा है कि फॉलो भी चल रहा है, जब वो कर देते हैं उसके बाद ये करते हैं, इनके आदेश के बाद इनके जो मुद्दे हैं उनको खींचा जा रहा है अपनी तरफ? नहीं, वो एक अलग चीज़ है, सरकार जो बिल कम करती है वो बजट में तय होता है, विधानसभा में बजट पेश होता है और जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा तय किया जाता है, क्योंकि हमारे पिताजी ने 3 बार ये मंत्रालय संभाला है, तो हमने बेहद करीबी से इस मंत्रालय का कार्यशैली देखी है, तो ये सब निर्धारित होता है ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, कि अगर ऊर्जा मंत्रालय अगर लॉस में जा रहा है बहुत ज़्यादा तो फिर दिक्कत हो जाएगी प्रदेश सरकार के लिए, देश की जनता के लिए, क्योंकि अगर प्रदेश की सरकार ऋण में जाएगी तो स्वाभाविक बात है प्रत्येक जो प्रदेश का वासी है वो भी ऋण में जाएगा, तो इसको बचने के लिए तो मॉनिटरिंग करनी पड़ती है प्राइस की, तो उस हिसाब से कम बढ़ोतरी करनी पड़ती है। भाजपा सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि कानून व्यवस्था में सुधार किया गया है, आपका क्या मानना है कितना सुधार इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था में हुआ? कानून व्यवस्था में यहाँ बहुत सुधार हुआ है, पिछले 5 साल में पूरे प्रदेश भर में कहीं दंगे नहीं हुए, खासकर आप हाथरस जिले की बात करें, जैसे काफ़ी लोगों ने बाहर से आकर यहाँ पे दंगा फसाद करने की कोशिश करी, कुछ मामलों में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे उन्होंने आंदोलन करके दंगा करने की कोशिश करी और अराजकता फैलाने की कोशिश करी, परंतु वो सब विफल रहे, तो ये योगी सरकार जी द्वारा जो कानून सख्त किया गया है और जो पुलिस अधिकारी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं,
ये उसी की बदौलत है जो आज शांति बनी हुई है। एक चीज़ और है कि जो रामवीर उपाध्याय जी अब तक जो चुनाव लड़े थे वो बसपा सरकार बसपा पार्टी से लड़े थे, इस बार पार्टी चेंज हुई है तो कुछ बदलाव या फिर जनता के बीच में कुछ नाराजगी तो नहीं है? यहाँ जगह जगह पर देखा जा रहा है जो पार्टी बदली गई है तो वहाँ नाराजगी देखी जाती है। देखिए, पार्टी बदलने का विरोध उस नेता का होता है जो कभी इस सरकार में पार्टी में रहता है, कभी दूसरी सरकार में जाता है, फिर पार्टी बदल लेता है, अपने मौके के हिसाब से जाता है। हमारे पिताजी ने निष्ठा ईमानदारी से क्षेत्र की जनता की सेवा करी है, उनके लिए सब लोग बराबर हैं। और भारतीय जनता पार्टी से 1990 का नाता है, वो RSS के पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं और अभी भी मौजूदा। देखो, जो एक बार स्वयं सेवक रहता है वो हमेशा स्वयं सेवक रहता है, उन्होंने हमेशा क्षेत्र के लोगों का काम किया है। तो ये तो है नहीं कि बाबा पार्टी बदल रहे हो। 25 साल सेवा करने के बाद जब उन्होंने अपने त्याग पत्र में भी लिखा, उन कारण लिखा कि माननीय काशीवर राम जी के जो प्रिंसिपल्स थे जो और जो उनके जो विचारधारा थी उस पर जब पार्टी भटक गई, उसको सूचित करने के बाद जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज़ हो गई तो उसके चक्कर में उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया, क्योंकि उन्हें अब उनको उनको सही के कभी कभी कहते हैं ना, किसी को सही राय देने पे भड़क जाता है, तो सही राय देने पे वो भड़क गए। तो फिर हमारे पिताजी ने कहा था उनसे शुरुआत में कि बहन जी, जब तक आप हमारा सम्मान रखेंगी पार्टी में तब तक हम आपके साथ रहेंगे और आपकी पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे। एक दिन आपके चुनाव प्रचार करते हुए अब तो, और क्या मानते हैं इस बार टक्कर किससे है आपके यहाँ? देखिए, सब प्रत्याशी अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, टक्कर किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से रामवीर उपाध्याय जी के रूप में कमल खिलेगा यहाँ से, और वो कमल खिल के विधानसभा में बैठकर आदरणीय योगी जी के हाथ मजबूत करेगा। अभी हम पीछे कुछ जनता से बात कर रहे थे तो एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर रामवीर उपाध्याय जी का वर्चस्व है और उसका गलत फायदा उठाया भी जाता है, जहाँ से इसको हमें दबाया गया है इस वजह से हम गुड्डू चौधरी का साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या इधर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो देखो, यहाँ पर कम से कम 30,000 के आसपास की संख्या में ठाकुर समाज के लोग होंगे। अब 30,000 की संख्या में से एक आदत तो बोली दे जो हो सकता है गुड्डू चौधरी जी से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ होगा, या फिर राष्ट्रीय लोकदल के किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होगा, या सपा के किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होगा, या स्वयं सपा का ही कार्यकर्ता होगा, इसे उसने बोल दिया होगा। तो इसका भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे अपने अलग हैं, लेकिन आपके क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर अब ऐसा कुछ विकास कार्य या फिर कुछ नई योजना जो बची हुआ आपको लगता है कि उसको पहले काम होना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से जब हमारे पिताजी ऊर्जा मंत्री थे, पूरे ज़िले में बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया कराई गई थी, घर घर लाइट पहुंची थी और एक सुचारू रूप से एक प्रणाली चली थी, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई थी। तो उसी प्रकार से प्रशासन की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आदरणीय योगी जी ने सबको एकदम लाइन पे कर रखा है। तो जो क्षेत्र की जन समस्याएँ हैं, जैसे हम आज तक सुनते आ रहे थे, क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से हमें आशीर्वाद प्राप्त था, तो हमारे पास प्रशासन और शासन में कहने का अधिकार भी था जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो वही चीज़ हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। ब्राह्मणों को लेकर क्या मानना है आपको? क्या कहा जा रहा है कि सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ जब से विकास जो वाला कांड हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ब्राह्मणों पर आज तक अत्याचार हुआ है, ना कभी होगा। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का सम्मान करती है, और पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र वैसी विचारधारा रखती है जो सर्व समाज को एक झंडे तले लेकर आना चाहती है, एक समाज बनाना चाहती है। बाकी तो सब समाज को आपस में बांट के वोट बैंक की राजनीति करके अपने अपनी रोटियां सीखना चाहते हैं राजनीतिक। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में रिपीट करेगी? पक्का 100%। किन किन मुद्दों के साथ आप मानते हैं कि जो बड़े मुद्दे, जैसे एक तो राम मंदिर ले लीजिए आप अपना, ये राशन वितरण ले लीजिए, उसके अलावा क्या मानते हैं इनको लेकर आप रिपीट कर रहे हैं प्रदेश में? देखिए, राम मंदिर की अगर बात करें तो राम हमारे सम्मान स्वाभिमान हमारी आत्मा में विराजमान परमेश्वर है, उनका सम्मान ही प्रत्येक जन का सम्मान है। तो जैसे आपकी भी रिंगटोन बनी बजी है अभी, इसमें राधा वल्लभ जी का नाम दिया जा रहा है, तो देखिए सबकी आस्था राम जी से जुड़ी हुई है। हमारे राम लाला 1993 से इन लोगों ने टेंट में बिठा रखे थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी और कार्य सेवक थे जिन्होंने राम जी के लिए अपना बलिदान दिया, और आज हमारा सपना पूर्ण हुआ है। और हम जब से छोटे थे, चाहे हमारे पिताजी किसी भी पार्टी में रहे हों, पर हम सबकी भी इच्छा यही थी कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर मिले। अब उसके लिए हमें अपना खून का भी बलिदान देना पड़े तो हम देने को भी तैयार थे।
तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चिराग वीर उपाध्याय, अपने पिताजी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग युवा नेताओं और शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट, क्योंकि खबर एक्सपर्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।